जो मॉब आया था ये फुल्ली पॉलिटिकलाइज था, जो कोई मतलब मोटिवेटेड था और ये मोटिव लेके भी आया था। दिस मस्ट बी बैक्ड बाई रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। इतना भी ये बैरिकेड लगे, ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। हमने कहा हम लोग का पास अभी हिम्मत है कि दिन में रात में। जो मॉब आया था ये फुल्ली पॉलिटिकलाइज था, जो कोई मतलब मोटिवेटेड था और ये मोटिव लेके भी आया था। दिस मस्ट बी बैक्ड बाई रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इस तरह का घटना को हम लोगों का कोई उम्मीद नहीं था और आप लोग जानते ही है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे ये इसका कोई मोटिव नहीं था। ठीक है, हम लोग बहुत शॉक्ड है, लेकिन आप लोगों के मीडिया से हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग आंदोलन फिर से स्टार्ट करेंगे। जो मॉब आया था ये फुल्ली पॉलिटिकलाइज था, जो कोई मतलब मोटिवेटेड था और ये मोटिव लेके भी आया था। हम लोग का आंदोलनकारी से कोई लेना देना नहीं है ये, और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, ये आप लोगों को बोल रहे हैं। सडनली ए मॉब अटैक स्टार्टेड, दिस इज अटर फेलियर ऑफ पुलिस एंड गवर्नमेंट। इट वॉज गोइंग ऑन वेरी पीसफुल मूवमेंट थ्रू आउट द वेस्ट बेंगल। टूडे प्रोग्राम इज गोइंग ऑन, नेवर नो वेयर एनी प्रॉब्लम हैज बीन क्रिएटेड, बट हियर दिस मस्ट बी बैक्ड बाई रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड All responsibility will go on government and the police. They did not take adequate steps, though they know how much mass will be gathered here. पूरा पब्लिक प्लेस एकदम आ गया, वह क्राउड आके उठा के उसको फेंक दिया। हाँ, गाड़ी नहीं थे, हम उसके बगल में थे गाड़ी के, और मेरा एक कीट मेरा पीठ में आके लगा, बुरा हाल कर दिया सब। मैं बाहर गया था, अंदर ही था गाड़ी का। पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च रखा था यहाँ से शाम बाजार के लिए। हम लोग Thank you.
पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च रखा था यहाँ से शाम तक। इनके घूमने का मतलब क्या है? हम लोगों का टाइम यहाँ से 11 बजे जाने का था, बस बाहर बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि नारे तो ऐसे ही लगा रहे थे वी वांट जस्टिस, पर सबके कहने के बाद भी और देखा कि वो लोग वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे, बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो रहा था, 1 घंटा हो गया 1.5 घंटा हो गया बहुत देर तक वो लोग बाहर थे, और पुलिस एकदम भी कुछ भी उनको अपनी वहाँ जगह से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, और हम लोग देख पा रहे थे जो भी वो मॉब था, जो भी था उनका गुस्सा और वो सब, और वो कोशिश कर रहे थे अंदर आने की। एकदम से सडनली जैसे ही ये हुआ, एक एक करके या कुछ करके लोग आए और सब उन्होंने तोड़ फोड़ करके अंदर घुसना स्टार्ट किया। उससे पहले ही हम लोगों ने जो हम लोग की फीमेल जो पूरी टीम थी और जो पूरी रैली थी उनको हम लोगों ने दूसरी जगह जाने के लिए बोल दिया था, और उनके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे सारे जितना भी ये बैरिकेड लगे ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए, और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। हर कोई कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर छुप रहा है, कोई इधर छुप रहा है, और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये सब लोग भूल क्यों जा रहे हैं कि हम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हम लोग इतना पीसफुली यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, एक पीसफुल मार्च स्टार्ट किया था उसमें भी बाहर से आके लोग ये सब कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसा, देख रहे हैं यहाँ की क्या हालत की है, इमरजेंसी वार्ड की क्या हालत की है। इमरजेंसी जितना ठीक हो रहा है, सेमिनार हॉल तक नहीं पहुँच पाए।